हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं खड़ा हूँ काली कंबल वाले बाबा जी के शिविर में। आज जानेंगे ये बाबा जी हैं यहाँ पर, जो आपकी हकीकत बात बताएंगे। और क्या बाबा जी, आप कहाँ से हो? मैं जोधपुर डिस्ट्रिक्ट बालेश्वर तहसील निम्बा का गांव। निम्बा का गांव, तो आपको क्या प्रॉब्लम है तो आप इसलिए इधर आए? प्रॉब्लम मुझे तो ज़्यादा है नहीं, हाँ जी, थोड़ी सी शुगर है। बार टेस्ट कराई थी 4 महीने पहले। तो किसको लेके आए आप? मोरे मिसेज ले लायो। अच्छा, मिसेज लगभग 18-19 महीनों वॉकरमा चलती और 10-15 कदम ज्यादा चल नहीं सकती। अकेली नहीं चल सकती? एक गेड़ी मां नहीं चल सकती उसको, साथ मतलब वो चाहिए, वॉकर चाहिए चलने के लिए। तो अभी क्या फर्क है, कितना आज फेरी लगा चुके आप? हम पहले 13 तारीख आए थे जी, 5 दिन रह के गए यहाँ पहले। हाँ जी, और 5 दिन रह के 6ठे दिन हम घर गए। हाँ, तो घर जाने के बाद में वॉकर रख लिया, अभी उसकी जरूरत नहीं पड़ी आपको? हाँ, तो वो बाथरूम में जाती आती तो मैंने बोला कि थोड़ा वॉकर का सहायता लो ताकि थोड़ा आराम रहेगा जी, तो मुझे वॉकर की जरूरत नहीं है अभी जी, मैं तो आराम से चलती हूँ। हाँ जी, तो फिर बाद में हमारे बड़े पिता जी का घर था करीब 200 मीटर दूर जी, तो 200 मीटर दूर पैदल जाके पैदल आ जाती थी। पहले नहीं आ पाती थी? पहले तो भाई साहब मैं क्या कह रहा हूँ, 18-19 महीनों से तो मतलब ये हालत थी कि बाथरूम तक जाना भी मुश्किल था, 10 कदम। अच्छा, इतना भी नहीं चल, घर में भी नहीं चल सकते? घर में भी नहीं चलता, और रात में 12-1-2 बजे तक नींद नहीं आती, नींद की गोली लेने के बाद में। अच्छा, ऐसे नींद नहीं आती थी? हाँ। तो लोग तो बोल रहे हैं सबको फर्क नहीं पड़ रहा है, लोग बहुत लोगों ने बोला है कि नहीं फर्क पड़ता है, उसका कारण क्या है जो आपको फर्क पड़ गया और दूसरों को नहीं पड़ता है? मेरी समझ में ये आ रहा है कि जो बाबा जी की बात लोग समझते नहीं है, माननी तो बात दूर है, लोग उनकी बात समझते नहीं है। बाबा जी कह क्या रहे, मतलब समझ बाबा जी कह रहा है एक नंबर लाइन में बैठो और हम जाके 3 नंबर बैठ जाते हैं, तो उससे मतलब बाबा जी का क्या कहना मानना पड़ता है, मतलब क्या क्या करना पड़ता है उसकी वजह से फर्क पड़ेगा? भाई सबसे बड़ी बाबा जी बताते हैं तपस्या है, तपस्या है। तो क्या है कि एक तो आप लाइन में बैठो, बाबा जी कहे उसी लाइन में बैठना है, ठीक है। फिर बाद में कहीं एक करीब 1000 आदमियों की लाइन बनी हुई है, और कई लोग जल्दीबाजी के लिए थोड़ा बीच में चले जाते हैं, धक्का मुक्की करके चले जाते हैं। अच्छा, आगे? हाँ, आगे से भाई, हम तो हमारे फटाफट निकल जाए, हम भी हमारा खुद का नंबर लगा के जल्दी घर पे चले जाए। हाँ, इसके कारण आगे चले जाते हैं, आगे चले जाते हैं, नंबर वाई नहीं आते। हाँ, बाप जी के आंखों के सामने देखा मैंने जी, बाप जी कहता है कि बच्चा ऐसे मत करो, तुम्हारा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जी। तो भी वो बाप जी की बात नहीं मानता है, वो आगे जाके बैठ जाते हैं। नहीं बैठना, और वो लाइन में आता नहीं, कंबल फिरने के बाद में फिर लाइन में बाप जी से आशीर्वाद लेना पड़ता है जी। तो वो आशीर्वाद लेने के लिए लोग घूम फिर के आना थे, और बीच में से लोगों के बीच में आ जाता है और बाप जी के फटाफट के भाई हम आशीर्वाद दे दो। तो लोग ऐसे लाइन में सिफारिश से भी घुस जाते हैं, कोई रिश्तेदार आगे भेज देते हैं किसी के? सिफारिश किसी की नहीं मानता है। एक दिन कोई हमारा एक परम सौभाग्य था, और परसों सुबह बाप जी के रूम में मैं भी चला गया था जी, और बाप जी से बात हुई थी रूबरू जी, तो बाप जी ने मुझे यही बात बताई कि एक तो अगर आपको बीमारी साफ करनी है तो पंडाल के आसपास में जो भी कचरा पड़ा है जी, ये कचरे की सफाई कर दो, मतलब दूसरे आदमी ने कचरा बिखोरा उसकी सफाई करो जी, अरे नहीं दूसरों की सफाई नहीं करो तो कम से कम खुद की तो, खुद तो कचरा मत भी करो, खुद मतलब सफाई रखो, खुद कचरा मत। सबसे पहले हम बोलते हैं, आप हाथ जोड़ते हैं, हे बाप जी मेरे हाथ दो, मेरी सियाई कर दो जी, और उस गंदगी के अंदर हमें जा करके बैठने का तो हम नहीं बैठेंगे। तो आप अभी क्या बताना चाहते हो लोगों को इधर आने से, मतलब क्या करना पड़ता है तो उसको फर्क पड़ेगा, मतलब कैसे रहना पड़ता है इधर? सबसे पहले तो बाप जी का आदेश ही शुरू माने। तो आपने मतलब कैसे लाइन से आना? हाँ, बाप जी जो कह रहे इस लाइन में बैठो बैठो, फिर आप लाइन से आओ, भाग के आगे मत आओ, किसी के बीच में मत घुसो, आगे मत आओ, और फिर ये जो गंदगी बिखरी हुई है, कचरा बिखरा है, तो आप 100% इसको दूर हटाने की कोशिश करो, कचरा जलाओ या दूर कहीं जाके फेंको। तो गांव से आप कितने लोग आए थे पहले? हम पहले तो 2 ही आए थे, तो अभी दूसरी बार आए, तो अभी कितने लोग आए? अभी गांव वालों ने क्या बोला, कितना फर्क पड़े, गांव वाले कुछ ऐसा रिएक्शन? भाई मारे गर्दनियों ने जो बिना बोकर चलती देखी जी, देखी जन अड़ोस पड़ोस में पता लग गया कि यार डूंगर राम की मिसेज तो चल रही है, मतलब बिना वॉकर चलती आज 18-19 महीना हो गया है जी, तो हम भी जाएंगे जी। तो आज करीब करीब हमारे साथ में छोटा मोटा 15-20 लोग हैं। अच्छा, आप एक बार गए, दूसरी बार आए तो 15-20 लोगों को लेके आए, पीड़ित लोग थे? आज हमारे साथ 15-20 लोग प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, उनको लगा कि कुछ फर्क पड़ता है, बाबा जी का कुछ पर्चा है,
कुछ होता है चमत्कार, इसलिए लोग साथ में आए और भी नए लोग आए। हाँ धन्यवाद।